नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर की माडूताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा सिटी के पास प्रतिबंधित कप सिरप बेचने के लिए घूम रहे तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CSP तुषार सिंह ने बताया है कि तीनों युवक बाइक के साथ यहां पहुंचे थे और एक पिट्ठू बैग में कप सिरप रखे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवकों को दबोच लिया, जिनके कब्जे से 120 शीशी कफ सिरप बरामद किया गया है। पकड़े गए युवकों के नाम अरविंद कुमार बांगर, रवि चौरसिया और सूरज पटेल हैं, जो ऑनरेक्स कंपनी के सिरप बेचने पहुंचे थे। युवकों के कब्जे से नगद 10,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं, जो संपदा कफ सिरप बेचकर लिए गए थे। बहरहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे ये कप सिरप कहाँ से लाए थे और किन लोगों को बेचते थे। जबलपुर से KKR न्यूज के लिए बाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, माडूताल क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिली थी, जिसमें ये पता चला था कि जो प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप है, उसी की तरह एक ओडेक्स सिरप भी होता है, जिसमें कोडीन की एक मात्रा यूज की जाती है, जो कि एक नशीला पदार्थ है जिसे युवा वर्ग आमतौर पर नशे के लिए यूज करते हैं। तो उस सूचना पे 120 शीशियां माडूताल थाना द्वारा पकड़ी गई हैं, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की गई। अब इस पे फर्दर जांच चल रही है कि इसको कहीं गोसलपुर थाना क्षेत्र में किसी को देने जा रहे थे और एक मेडिकल शॉप जो उसको वो जानते नहीं थे, केवल सप्लाई का काम कर रहे थे, तो पहले भी उन्होंने किसी को सप्लाई किया था, तो उस पे फर्दर जांच चल रही है। जो भी निष्कर्ष होगा वो आप लोगों को विधिवत बताया जाएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।